you had that final shot and then you just turned around, had a smile and you realized you won. What was your first reaction? जब last वो shot चला तो I was thinking कि ये कैसे हो गया? Just कि एक इतना ज़्यादा lead था उनका मुझसे तो ये कैसे हो गया एकदम मतलब समझ में नहीं आया अगले दो मिनट तो वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस शूटर्स थे कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने काफी ओलंपिक्स खेले तो उन सबके बीच खेल के कुछ डर नहीं लगा प्रेशर नहीं था आप पे नहीं एक्चुअली मैं उनमें से किसी को जानती नहीं थी सो आई डिडंट नो देम तो इतना कोई प्रेशर नहीं था इतना आपके पेरेंट्स ने हमें बताया था कि काफी सारे स्पोर्ट्स खेले आपने बिफोर यू इवेंचुअली टुक अप शूटिंग वो कहते हैं कि स्टार्टिंग चाहे कहीं से करो लास्ट में एक ही चीज पे आना है जैसे मैंने मुझे शौक है कि मैं सब चीज ट्राई करूं स्टार्टिंग से एथलेटिक्स स्केटिंग इनसे स्टार्टिंग हुई थी मेरी फिर धीरे धीरे कर करके मैंने सब ट्राई किया सब बहुत अच्छा लगा फिर जब चीजें मतलब बहुत नॉर्मल होने लग गई कि हाँ ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है फिर सोचा किसी चीज पे थोड़ा सीरियस हो जाऊं तो उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ती थी यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो उसमें ये गेम था जब मैंने उस स्कूल में नया एडमिशन लिया था तो तब से मैंने शूटिंग करना स्टार्ट किया और इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग विद इट हम अपनी मतलब किसी और को ना सोचते हो अपने बारे में ही सोचे अपनी तरफ ही सोचे कि किसी को लगता है दो साल बहुत ज़्यादा कम होते हैं बट अगर एक तरह से सोचा जाए तो दो साल बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें हम डे बाय डे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बट लोग छः साल से शूट करते हैं दस साल से शूट करते हैं बारह साल बीस साल इतने साल तो इतने ज़्यादा साल एक चीज़ को स्ट्रेच करना बोरिंग हो सकता है तो आई थिंक कि दो साल इनफ होते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए How did the other team members of your contingent, your team treat you? They all are very good to me. They all are very supportive, helpful and very loving, caring. And they, all of them guides me whenever I need them. And I'm sure unki guidance aapko bahut kaam mein aayegi. Aapka agla target kya hoga? Commonwealth Games, kya soch rahe hain aap abhi? Aim yahi hai, jo bhi upcoming events hain, un sab mein main bahut achha perform karun. Aur जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे गोल्ड मिले या फिर हर बार मुझे मेडल मिले बिकॉज मेनी अदर्स आर ऑल्सो वेटिंग फॉर मेडल दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मेडल्स सो ऐसा नहीं है कि मैं हर बार सोचूंगी कि मुझे काश गोल्ड मिल जाए काश मेडल मिल जाए सो बाकी भी बहुत मेहनत करते हैं तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बट आई विल गिव माई बेस्ट इन अपकमिंग इवेंट्स